हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम बात करेंगे मार्वल और डिज्नी प्लस की न्यू अपकमिंग टीवी सीरीज फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर से रिलेटेड काफी कमाल के अपडेट के बारे में। साथ ही साथ बात करेंगे कुछ एक्स्ट्रा ओटीपी अपडेट्स के बारे में, तो गाइस वीडियो को पूरा देखिएगा, अपडेट बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डिज्नी प्लस की न्यू अपकमिंग स्टार वॉर्स की क्लोन वॉर की स्पिन ऑफ टीवी सीरीज के अपडेट के बारे में। तो फिलहाल ये अभी हाल ही में अनाउंस करी गई है और इसका फर्स्ट लुक रिलीज कर दिया गया, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये ऑफिशियली डिज्नी प्लस पर रिलीज होगी, हॉट स्टार वीआईपी या प्रीमियम पर रिलीज नहीं होगी। देन इसके साथ अगर कोई भी अगर अपडेट आता है तो मैं आपको तुरंत अपडेट कर दूंगा, पर अगर आप स्टार वॉर्स फैन हो तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट था। उसी के साथ जुपिटर लेगेसी का फर्स्ट लुक रिलीज कर दिया गया है। एम्पायर मैगजीन ने ये लुक रिलीज करा है और बहुत ही ज्यादा कमाल का लग रहा है, और ये नेटफ्लिक्स की अपकमिंग सुपर हीरो टीवी सीरीज है। उसी के साथ जस्टिस लीग फाइनली इंडियन प्लेटफॉर्म पर आ चुकी है, तो आप जाके देख सकते हैं। देन बहुत ही कमाल की मूवी है, रिव्यू वीडियो जरूर आएगा। ग्रे मैन जो कि नेटफ्लिक्स की अपकमिंग मूवी है जिसमें कि क्रिस इवांस है, फाइनली आज इसकी शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है। रूसो ब्रदर ने इसका फर्स्ट क्लैप बोर्ड का लुक डाल दिया जो कि आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं। हेडविग जॉकविन जो कि जैक्सन नाइटर की अपकमिंग मूवी जोम्बी में है, आर्मी ऑफ डेड में, उनका फर्स्ट लुक रिलीज कर दिया गया है, बहुत ही कमाल का लग रहा है। और देन आप उनके हाथ में वेपन देख सकते हैं। नेटफ्लिक्स पर रूही आने वाली है और Z5 पर भी। रिलीजिंग डेट अभी तक कंफर्म नहीं हुई है, जैसी अपडेट आएगा मैं आपको तुरंत बता दूंगा। उसी के साथ लव और मॉन्स्टर जो कि बहुत ही कमाल की मूवी है, और देन ये इंग्लिश में रिलीज होने वाली नेटफ्लिक्स पे। रिलीजिंग डेट देखने के लिए आप मेरे ट्विटर हैंडल पर जा सकते हैं, चाहे आप मेरी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। केविन फाइगी ने कंफर्म कर दिया कि इन फ्यूचर डिज्नी प्रोजेक्ट पे आपको हाइड्रा और शील्ड दोनों ही देखने को मिलेंगे, ये दोबारा से रिटर्न होंगे। देन उसी के साथ कैप्टन रसल जो कि न्यू कैप्टन अमेरिका है, उनका फर्स्ट लुक रिलीज कर दिया गया है, और देन बहुत ही कमाल का लग रहा है, और इस सीन में वो काफ़ी ज़्यादा दुखी भी लग रहे हैं। और देन उसी के साथ नया लुक रिलीज करा गया है जीमो का एम्पायर मैगजीन ने, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। चलिए अब बात करते हैं फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर की टाइमलाइन के बारे में, और देन आपको बता दूं कि कल पहला एपिसोड रिलीज होने वाला है हिंदी तमिल तेलुगु में, तो देखिएगा जरूर। चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले टाइमलाइन के अपडेट के बारे में। तो एवेंजर्स एंडगेम की जो टाइमलाइन थी वो थी 2023, उसके 3 वीक्स बाद वांडा विजन की थी, और एवेंजर्स एंडगेम से 6 वीक बाद फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर की है, और 8 वीक बाद स्पाइडरमैन की है, और उसके बाद स्पाइडरमैन के 3rd टाइमलाइन है। तो गाइस ये है वो सिंपल टाइमलाइन, और उसी के साथ आपको पहला एपिसोड कैप्टन अमेरिका के ऊपर देखने को मिलेगा। ये थोड़ा एक स्पॉइलर है, जी हाँ, कैप्टन अमेरिका को श्रद्धांजलि दी जाएगी और उनको एक अच्छी मोटिवेशनल यादों में रखा जाएगा। देन उसी के साथ आपको इसमें वॉर मशीन का कैमियो भी देखने को मिलेगा पहले एपिसोड में। तो गाइस ये थे वो काफी सारे कमाल के अपडेट। तो गाइस आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।